वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बटर नान, जिसके लिए हमने यहाँ पे आधा किलो मैदा लिया है और एक चम्मच हमने नमक लिया है, एक चम्मच हमने बेकिंग सोडा लिया है जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, और एक चम्मच हमने चीनी ली है। अब इन सबको हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसमें हमने, आप चाहें तो रिफाइंड ले सकते हैं, आप चाहें तो मक्खन ले सकते हैं। हमने यहाँ दो चम्मच रिफाइंड लिया है, इसको भी हम इसमें डाल लेंगे। अब इसको हम हल्के हल्के हाथ से पानी डाल के गूंदेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से इसका हमें डो बनाना है, और हमें इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है, और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और हल्के हल्के हाथों से इसको अच्छी तरह मिला लेंगे और इसका अच्छे से हम डो बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, हमारा डो अच्छे से बन गया है। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर से रिफाइंड लगा के और इसको पन्नी में, आप चाहे तो इसे पन्नी में करके भी रख सकते हैं। हमने इसको यहाँ पे रोटी का गीला कपड़ा लिया है और इसको हम आधा घंटे के लिए अच्छे से ढक के रख देंगे ताकि इसमें खमीर उठ जाए और ये अच्छे से हमारी बटर रोटी फूल जाए। आप चाहे तो इसे आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, हम यहाँ इसको एक घंटे के लिए रखेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा एक घंटा हो गया है, हमारा डो अच्छे से फूल गया है। अब इसके हम लोई बनाएंगे, जितनी ज़रूरत हो उतना ही आटे की आप लोई बनाएं और इस तरह से गोल गोल कर लें। थोड़ा सा मैदा हमने सूखा रखा था, उसको हम इस तरह से गोल गोल लोई बना लेंगे और इसको हम अब बेलेंगे। यहाँ हमने अपना तवा रख दिया है हल्की आंच पे। अब हम इसको, अपनी लोई को ऐसे लंबा लंबा बेलेंगे जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में बेलते हैं। रेस्टोरेंट वगैरह में तो मोटा बेलते हैं, हम इसको थोड़ा सा पतला बेलेंगे। इस तरह से हम सारे को बेल लेंगे। इस पे हम थोड़ा सा अपना धनिया लगाएंगे, थोड़ा सा धनिया की पत्ती लगाएंगे इस पे हम, फिर इसको भी अच्छे से बेल लेंगे। इसको हमने अच्छे से बेल लिया है। अब इसके पीछे की तरफ हम थोड़ा सा इसमें पानी लगाएंगे हल्के हाथ से, सारे में इसको हम पानी लगा देंगे ताकि ये हमारा अच्छे से गीला हो जाए। इसके बाद हम इसको तवे पे डाल देंगे। हाई फ्लेम कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं इसमें ऊपर फूल रहा है अच्छे से हमारा बटर नान, और इसको हम हाई फ्लेम कर देंगे और इसको हम तवा उल्टा करके हल्की आंच पर इस तरह से सेकेंगे ताकि ये हमारी जो बटर नान है ये तंदूर की तरह सिक जाए और अच्छी सी ये फूल जाए। इसको हल्की हल्की आंच पे इस तरह से हम सेकेंगे। हमारी नान अच्छी से सिक गई है और इसको हम अब उतार लेंगे। ये हमारी नान अच्छे से तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसमें बटर लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसमें देसी घी लगाया है। अगर आपको हमारी नान की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी आने वाली रेसिपी का इंतज़ार करें।